सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजकुमार और आज का जो टॉपिक है ना, अंडमान पेरेंट्स आर रियली हैप्पी आफ्टर अ बैन ऑफ पबजी मोबाइल। सो गाइस, ये ऑडियो पूरा सुनिए, ठीक है? उसके बाद में एंड में जरूर जो है पबजी का थोड़ा जितना मेरे को नॉलेज है हम एंड में बताएगा। सो गाइस, ये इंटरव्यू में मैंने जिनके साथ इंटरव्यू करा है उनका मैंने नाम भी मेंशन नहीं किया है क्योंकि अंडमान इज अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो गाइस प्लीज ध्यान से सुनिए। रिगार्डिंग पबजी, दिस नेम आफ्टर माय सन who was studying in Chennai and completed his 10th, and when he came back, special phases of the lockdown. ये तो इतना addicted है अभी, वो is engaged in PUBG 24 hours. Except जो he is playing till early morning hours also, entire night खेलता है. He is playing up to nearly I can tell 4-5 o'clock he is playing, and he sleeps around only 3-4 hours. Again, it starts in the morning hours also. ये देखिए तो मेरे को इतना problem है, because initial days जब net नहीं था, उसे net देखे इसका connection slow हो जाता है, he got frustrated. And जब वो हार जाता है game में, हार जाता है, he shows his frustration towards the family members, towards myself, my wife and his sibling also. तो बहुत इसके वजह से बहुत effect हुए, बहुत हम लोग mentally बहुत frustrated हुए, and जो cases हुए, I happened to call up the police also. Okay. इतना भी उस level तक मैं चला गया। Okay. इतना जैसे शंकर के साथ, ये totally maybe मेरा शंकर तो मैं experience बता रहा हूँ, बाकी बच्चे लोगों का पता नहीं, उसमें कुछ आता उस game में कुछ आता कि होगा, हो सकता है, I don't know, but my personal experience, this game is a very highly dangerous for the kids and I feel. नहीं, गेम खेलो, गेम ऐसा नहीं है, गेम खेल बच्चे लोग, गेम खेलो, गेम मान लो जो इवन जो एम्प्लॉयड लोग है, सीनियर लोग, पीपल आल्सो आर आल्सो प्लेइंग, यू शुड सी द गेम, ऐसा नहीं है गेम ही आपका है जिंदगी, बिकॉज मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे सन का एंगल ऑफ व्यू में मैं देख रहा हूँ, बिकॉज वो तो सोचता है मैं गेमर बनूंगा, गेमर ही बनूंगा, बिकॉज ही कंप्लीटेड हिज टेंथ बट ही डजंट वांट टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, इज व्हाट ही इज गिविंग अ स्टेटमेंट. गेम हैज अफेक्टेड टू दैट लेवल, इतना लेवल तक पहुंच गया, ये फर्दर मैं स्टडी नहीं करूंगा, मैं गेमर ही बनूंगा. गेमर कौन सा, स्टालिन क्या, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज, ही इज टेलिंग दैट नेम्स आल्सो, दे स्ट्रीमिंग करते हैं, वो करते हैं, दे अर्न अराउंड 25,000 पर आवर, दे अर्न इन 2 crores, ही टॉक्स अबाउट दैट लेवल ही इज टॉकिंग, बट आई डोंट नो हाउ मच इट विल बी प्रैक्टिकेबल, और इज इट हाउ मेनी किड्स विल बी सक्सेसफुल इन दैट thing. I don't know. I don't believe that. Because इतना easy होता तो then why people are इतना ये problem क्यों होता है lockdown time में, how many sectors are jammed, how many people are lost their job, how many उनका रोजी रोटी का problem हो रही है. Correct. I think इतना easy अगर gamer बन सकता था तो I used to tell, keep telling my son the same thing, because इतना easily if you are able to become a gamer, why people are search for jobs, क्यों अपना जो ये टूरिज्म, आप भी पहले वीडियो डाले थे, इतना सेक्टर यहाँ पे इफेक्ट हुआ, स्पेशली हियर इन अंडमान बीइंग द टूरिज्म सेक्टर इज वन ऑफ द मेन फॉर इनकम, वो इतना इफेक्ट हुआ यहाँ पे, उसके बारे में आप भी एक वीडियो डाले थे, उतना अगर इजी होता तो वही द पीपल आर इफेक्टेड, जिसमें सभी लोग भीड़ भी आ गया, अच्छा गेमर बन सकते, सभी बैठ के गेमर बनते रहो, अच्छा है, कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना सभी गेमर बनेगा तो कौन करेगा, कहाँ से खाना कहाँ से मिलेगा, हम वही पूछा, तुम अभी इतना 4-5 महीना से यू आर प्लेइंग द गेम, हमको तुम्हारा कैसा है तुम बताओ, इज नॉट आई मीन रिप्लाई, वो सोचते गेम देगा पैसा आता रहेगा, आई डोंट नो व्हाट अब एडिक्ट हुआ, आई डोंट नो सी वेरी बहुत, दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू सेंड हियर, तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे, जो भी किड्स है, जो भी व्यूअर्स है, हम लोगों क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, गेम को गेम की तरफ से लिखना है, बट एंड योर एकेडमिक शुड बी केप्ट उसको, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन किड्स आर घर में ही रह के उनको हो सकता है फ्रस्ट्रेशन है, बट गेम इन द गेम स्पिरिट ओनली, उतना लेवल उतना टाइम तक खेलो, ये ऐसा नहीं है यू कीप प्लेइंग इन द नाइट, यू don't take proper rest, because seeing my son is playing in the after early hours, and how, because you have to give some rest to your brain also, then only you will be able to concentrate on other things also. Okay. It will both affect karta apna brain ko bhi bahut affect karta hai, aage apna academic ko bhi iska effect
because I think because only because of the lockdown, the more people are playing this game. Not only PUBG, there are many other games also. उसमें जिसने अच्छा है थोड़ा दिमाग यूज कर रहे थे वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो सब है, बट पबजी में आई डोंट नो है, नॉट प्लेड, मेरे को इतना पता नहीं है उसके बारे में, बट सीइंग माय सन ओनली आई एम गिविंग ऑल दिस ओपिनियन। तो आप एक गवर्नमेंट का डिसीजन से आप कितना खुश है ना? नहीं रियली गवर्नमेंट का डिसीजन से आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस, बट स्टिल माई आई डोंट नो वट टू वॉट एक्सटेंड बैन। Now I am, yesterday this was available in the Play Store. Now when I searched in the Play Store, it is not available. That's very good. I am happy with that. But still my son is playing. I don't know what is that. I don't know exactly. Within, कैसा है खेलता है हमको नहीं मालूम है। और मैं वाइफ आल्सो टेलिंग वो तभी भी खेलता करके बोलता है कुछ माइंड रिलैक्सेशन के लिए, बिकॉज़ मेनी ऑफ माय कोलीग्स आल्सो जो आर वर्किंग इन बैंक एंड मेनी अदर सेक्टर्स आल्सो दे बिकॉज़ दे व्हेन दे कम होम दे रिलैक्स फॉर 1 आवर 2 आवर 1 आवर 8 घंटा गेम खेलते हैं, उस लेवल पे उस उतना ही खेलेंगे, वो तो गेस नहीं है, मैं गेम खेल के ये उसी वही मेरा कैरियर है। तो दैट इज दैट दैट इज ट्रू दैट रियली यूजन उतना लेवल तक जाएगा इट्स माय इक्विवेलेंट। मैं बोलूंगा वो तो एकदम ड्रग का टाइप एडिक्ट हो गया, बिकॉज अगर नेट नहीं नेट बिकॉज कुछ दिन अराउंड 15 डेज माय ब्रॉडबैंड एंड इतना फ्रस्ट्रेशन है उसको, इतना फ्रस्ट्रेशन जैसे इसको जो ड्रग एडिक्ट है जो अल्कोहल एडिक्ट है वो उसको जैसे जब स्टफ नहीं मिलता है इतना फ्रस्ट्रेशन होता है उस लेवल तक वो पहुंच जाता है। हम सोचा ये गेम में इतना एडिक्शन कैसे हो गया, वो लेवल तक आके वो दैट फ्रस्ट्रेशन इज अगेन इन टर्न इज शोइंग टू पेरेंट्स, मी पेरेंट मायसेल्फ माय वाइफ एंड माय सिबलिंग, दैट इज दैट स्पॉइल्स द एंटायर एटमॉस्फेयर पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ माय फैमिली टोटली। My experience, I think I'll tell, because we are totally happy with the government's decision. And the bottom line, there are many other games also. It's not that only PUBG is available. There are many number of games are available then which can develop kids, new gen, who can use in the academic side also. There are many games are there. Then thinking power, mental ability, many games are there. They can use it because how much is... Moreover, it is from China. I am also against that because I am being a defense person. I am totally against China only. For that also, I am against. I am always with support the decision of the government. ठीक है मैडम, बताइए PUBG का कुछ अगर एडवांटेज है वो भी बताइए और डिसएडवांटेज कितना है वो मेरे को बताइए आप। एडवांटेज तो बोलने से बहुत कम ही है क्योंकि मतलब एक तरफ से बच्चे लोग थोड़ा बिजी रहते हैं टाइम में, कोई हम लोग नहीं है तो चलो वो लोग बिजी है तो मतलब थोड़ा सोचना नहीं पड़ता कि लोग कहीं यहाँ वहाँ जाएंगे तो बस उतना ही है। बट डिसएडवांटेज इतना है कि वो लोग क्या है कि उन लोग का पूरा स्लीपिंग पैटर्न जो है एकदम फुल डिस्टर्ब हो जाता, कभी वो लोग मतलब रात में सोते ही नहीं, उल्टा हो जाता जस्ट ऑपोजिट, जैसा सब लोग रात में सोते हैं लोग जो है रात में फुल खेलते हैं और सुबह सोते हैं, तो पूरा पैटर्न उस लोग का जो है एकदम डिस्टर्ब हो गया इस वजह से। और ये एक एडिक्शन है मतलब लोग जो है उसके अलावा और कुछ उस लोग को दिखता ही नहीं, एक एडिक्ट हो जाते इसके वजह से, वो ना कोई सोशल मतलब वो लोग एकदम सोशली इनएक्टिव हो जाते, किसी से बात करना है उन लोगों बस हम लोग कुछ बोलेंगे तो उन लोग बिल्कुल सुनते ही नहीं, क्योंकि उन लोग का ध्यान रहता पूरा उसमें रहता। इवन हम लोग को भी बोलेंगे कि आप लोग पूरा मतलब इधर से मतलब चले जाइए क्योंकि उन लोगों को डिस्टर्बेंस होता है और आगे वाला सुन रहा है ऐसा सब बोलेंगे, तो उन लोग इसमें से जो इतना ये हो जाता है कि फिजिकली और मेंटली इन लोग का जो है जो हेल्थ भी इस वजह से खराब हो जाता है क्योंकि बिल्कुल खाते नहीं है टाइमली, तो खेल में इतना बिजी हो जाता है तो क्या है कि पूरा रात भर खेलते हैं और रात में जैसे 4 बज गया तो बोलेंगे उठ के हम लोग उठा के बोलेंगे कुछ बना के दो खाने को, क्योंकि दिन भर तो सोते हैं तो वो टाइम हम लोग का रेस्ट करने का टाइम रहता है, तो उन लोगों को उस टाइम खाना चाहिए जैसा भूख लगी है तो, और दिन भर में जब टाइम में खाना रहता वो लोग का नहीं होता क्योंकि तो सोते रहते अभी भी सो रहे हैं, तो ये सब जो उन लोग और कुछ करने का टाइम नहीं है बस इसी में खेलते रहते दिन भर लोगों को, मतलब उसके अलावा और कुछ काम नहीं। बेटा तो ऐसा हुआ कि एक दिन जो है रात में इसी तरह उठा फिर रात भर जगा फिर नेक्स्ट दिन भी फुल जगा, मतलब पूरा उन लोग जो है ना हेल्थ में असर बहुत ज्यादा कर लेता है इसकी वजह से। तो एडवांटेज तो कम है लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है, और उन लोग का जो ये ऐसा गेम है ना वायलेंट भी हो जाते हैं इसलिए तो इसको मारो सब बोलते तो बहुत ज्यादा वायलेंट भी बढ़ जाता है उस वजह से, क्या बात करने का तरीका सब कुछ मतलब एकदम ये हो जाता है उन लोगों को, मतलब ही नहीं है कि पेरेंट्स है तो वो जो
उनका गेम के बीच में उनसे बात करते करते जो है कि वही तरह बिहेवियर में बहुत असर करता है। ओके, इसलिए जो अच्छा ही हुआ बहुत हम लोग को, मतलब इतना, मतलब जैसा तो मैंने सुना कि ये बंद हो रहा है तो सबसे पहले हम बोले बहुत बढ़िया हुआ। हम भी सोच रहे थे कब बंद होगी, बच्चे लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इन लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है तो उसमें तो इन लोग का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है जी, क्योंकि यही चीज में लगे रहते हैं, तो यही सब है। लेकिन वो ये कि यंग जनरेशन वाला लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए, लेकिन उन लोग का जो पूरा थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ टाइम लिमिट रखने से क्या बच्चे लोगों को एक हो रहेगा कि हाँ भाई हमको पढ़ना भी है, चलो इतना ही टाइम है, चलो हम ये टाइम में एंजॉय करेंगे, बाकी टाइम में पढ़ाई करेगा। अभी तो क्या है कि कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, उन लोगों को फुल टाइम मतलब 24 आवर्स में अगर हो सके तो बिना सोए भी लोग पूरा वही करेंगे, और उन लोगों कोई वो नहीं है ना, तो वो सब चीज जो है जबकि अगर रखेंगे भी तो ठीक है, जरूरत है, लेकिन क्या है कि फिजिकल उन लोग का फुल बंद हो जाता है, कोई मतलब बाहर में ना खेलने जाते हैं, फुल टाइम एक जगह बेड में पड़े हैं तो पड़े वहीं खेल रहे, तो ना मूवमेंट होता ना कुछ होता उन लोग का। जैसा रिवाइव करो रिवाइव करो, जैसे कुछ नहीं करा, अभी जैसा वो आगे अलग बोलता कि मेरे को रिवाइव करो तो नहीं करता, तो अगला बार क्या उसका रिवेंज हो जाता, वो नेक्स्ट टाइम उसको कुछ होता तो बोलता चलो हम भी इसको मार देगा, मतलब मेरा लास्ट टीम मेरे को, मतलब खुद उन लोग एक ही गेम में, उन लोग एक ही टीम में, बट उनके अंदर भी आपस में क्या हो जाता कि रिवेंज का वो आ जाता। तो वो सब हम लोग का टाइम में जैसे हम लोग खेलते थे फिजिकली खेलते थे जो भी गेम है इस तरह, तो हम लोग का टाइम में तो सब था भी नहीं, तो वो सब चीजें ना अंदर में उन लोग का जो है बैड ये बन रहा है, पॉजिटिव एनर्जी उन लोग अंदर में एकदम खत्म हो गया इस गेम की वजह से। पबजी के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं उतना बताता हूँ, पबजी वॉज क्रिएटेड बाई ए साउथ कोरिया कंपनी, ठीक है, मगर इसका जो मोबाइल वर्जन है इट वॉज क्रिएटेड बाई ए टेंसेंट कंपनी और चाइना का कंपनी है, इसका वजह से ही हुआ, और बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज भी। और टोटल इंडिया में जब हम डाटा देखा 175 मिलियन लोग जो है पबजी जो है इंस्टॉल करके रखे अपना मोबाइल में, और जैसे ये खबर आया इंडिया में बैन हो गया, उसका जो टेंसेंट कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है 2% गिर गया। यार 2% गिरना बोलने से इजी नहीं है, बहुत बड़ा लॉस होता है इतना बड़ा कंपनी को। गाइस जब पहला लॉकडाउन हुआ था ना तो वो टाइम हम भी जो है मोबाइल लाइट जो है वो पबजी का हम भी खेलते थे, मगर हमको ऐसा लगा जाते जाते ये तो मेरा बहुत सारा टाइम छीन रहे हैं, तो उसका हम भी हल्का हल्का दूर हो गया, और अभी कम्प्लीटली एकदम दूर हो गया। तो अभी अगर हम खेलते भी है तो मैक्सिमम एक मैच या दो मैच, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद हम टाटा बाय बाय बोल के निकल जाता है। तो गाइज अभी के लिए हम यही बोलेगा कि आप लोग चिल मारो, दूसरा कोई गेम्स खेलो मगर टाइम लिमिट का साथ में खेलो। मैक्सिमम देखिए आप लोग एक दिन में ना 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटा, या आप लोग बहुत ज्यादा गेम एडिक्ट आप लोग करते हैं, देखिए हम इधर मेरा सजेशन बोल रहे हैं, वीकेंड्स पे आप खेलो, वीकेंड्स में मतलब लाइक यू मेक इट एज 3-4 आवर्स, मगर बाकी टाइम पे ना गेम्स में थोड़ा मतलब, क्योंकि आफ्टर ये पेरेंट्स का बात सुनने का बाद ना मेरे को भी ऐसा लगा कि जस्ट सजेशन बोल रहे हैं, ठीक है, गेमिंग सेक्टर को हम खराब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, गेम स्ट्रीम करके जो कमाते हैं बोलते हैं, मगर वो करोड़ों में से बस 1000 लोग है, या समझ जाइए एक 10,000 लोग है समझ जाइए जो स्ट्रीम करके कमाता है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि इसको एज अ करियर बनाए, मगर करियर बनाइए हम यही बोलेगा, मगर गेमिंग का जो डेवलपिंग है ना वो चीज में अपने लोग करियर बनाइए। आप लोग ये सोचिए कि गेम कैसा बनाए, क्योंकि आपको एक तो उसमें गेम खेलने भी मिल जाएगा, प्लस और एक क्या गेमिंग आप डेवलप करने भी सीख जाएंगे, और उसका जो गेमिंग का जो कोर्स है ना वो आप लोग करिए अगर आपको गेमिंग से रिलेटेड आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है तो। सो गाइस हम लास्ट में यही बोलेगा कि लेट्स वेट एंड वॉच, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बैन किया है तो देयर विल बी अ बिग रीजन फॉर दिस। तो गाइस अगर आगे भी कुछ अपडेट आएगा पबजी रिलेटेड हम कोशिश करेगा कि हम जरूर इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो गाइज और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कमेंट करिए, गाइज व्हाट्सएप आप लोग भर देते हैं मेरा, स्पेशली पबजी वाला जो वीडियो है बनाने का रीजन ये है कि एकदम व्हाट्सएप मेरा भर गया था, भैया पबजी का ऊपर में बढ़िया से एक वीडियो बनाओ। तो गाइज हम भी एक पबजी प्लेयर है, बहुत लिमिटेड जो खेलता, तो हम ज्यादा पबजी का फेवर में भी बात नहीं करने मांगता, और पबजी का जो अगेंस्ट है उसके बारे में भी हम ज्यादा फेवर में बात नहीं करने मांगता। सो गाइज थैंक यू सो मच।